हेलो मई डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेल्व फ्रिक्शन एज अ फोर्स सी दिस इज अवर लास्ट चैप्टर फ्रिक्शन एज अ फोर्स एंड इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट फ्रिक्शन हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन यूजेज ऑफ फ्रिक्शन और हार्मुल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन इन इन अवर प्रीवियस चैप्टर इन चैप्टर नंबर इलेवन वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स हमने Uh, उसमें पढ़ा था फोर्स फोर टाइप के फोर्सेस के बारे में पढ़ा था जिनमें से एक फोर्स हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है चलिए लेट स्टार्ट द चैप्टर अ फोर्स दैट एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स जो फोर्स दो चीज़ों दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लगता है उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स द फोर्स दैट एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं वहाँ पर जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन और ये कांटेक्ट फोर्स का जो एग्जांपल है वो क्या है जो फोर्स के कारण फिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ठीक है अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम आपने देखा होगा कि अगर आप एक बॉल रोल कर आ, आते हैं फ्लोर पर या आप उसको फेंकते हैं आ, फ्लोर पर तो थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और वो स्टॉप हो जाती है दिस एपन्स ड्यू बिकॉज ऑफ़ अ फोर्स ऑफ कॉल्ड फ्रिक्शन और ये क्यों होता है क्योंकि एक फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं ठीक है चले लेट्स स्टार्ट फ्रिक्शन द फ्रिक्शन द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस विच ई द्लोज डाउन द ऑब्जेक्ट और स्टोप इट कम्प्लीटली इज कॉल्ड दोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब जो फोर्स ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में लगता है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है मूव करते करते धीरे धीरे स्लो हो जाता है और थोड़ी देर के बाद कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है बंद हो जाता है रुक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर से एक बार ध्यान से सुनिए द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस किसी भी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है विच इधर स्लोज डाउन जिसके कारण क्या होगा या तो ऑब्जेक्ट स्लो हो जाएगी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी या फिर वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली वहीं पर रुक जाएगा स्टॉप हो जाएगा तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन क्लियर चलिए नेक्स्ट इज यहाँ पर देखिए लुक एट दिस पिक्चर यहाँ पुशिंग फोर्स लगता है तो जब भी फ्रिक्शन कोई चीज़ आगे की तरफ मूव करती है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ठीक है लेट अस ऑब्जर्व द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन बाय स्लाइडिंग अ बुक ऑन द टेबल अब आप एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि अगर हम इस टेबल पे एक बुक को अपनी फिंगर्स से स्लाइड कराते हैं मूव कराते हैं तो क्या होगा वेन बी पुश द बुक हम जब बुक को पुश करेंगे आगे की तरफ धकेलेंगे इट मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस और वो थोड़ी डिस्टेंस तक मूव करेगी एंड देन स्टॉप्स और कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी दिस हैपन्स बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स एक्स बिटवीन द बुक एंड द टेबल और ये इसलिए होता है क्योंकि बुक और टेबल के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये होता है और जब थोड़ी देर आगे जाने के बाद बुक मूव करती है और उसके बाद स्टॉप हो जाती है मतलब आगे जब हम उसे पुश करते हैं तो बुक मूव करती है और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो स्टॉप हो जाती है और ये क्यों होता है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है ठीक है दिस फोर्स ऑलवेज अपोजेज द फोर्स दैट कॉजेज द मूवमेंट और ये जो फोर्स होता है ये हमेशा उस फोर्स को मूवमेंट में कॉज करता है मतलब कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उस फोर्स का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वो लगता है इट ऑल्सो एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट्स ऑफ द डायरेक्ट डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक और ये जब देखो यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो बुक तो आगे की तरफ मूव कर रही है पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है दिस फोर्स स्टॉप्स द बुक फ्रॉम स्लाइडिंग फर्दर और यही फोर्स स्टॉप करता है बुक को आगे स्लाइड करने में फ्रिक्शन इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस विदाउट फ्रिक्शन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वुड नेवर स्टॉप फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कैसे यूज़फुल है विदाउट फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी मोशन करते करते कभी भी स्टॉप नहीं होगा मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट है तो अगर फ्रिक्शन नहीं है उस जगह पे तो वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा अ मूविंग कार इज एबल टू स्टॉप ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन जो मूविंग कार है वो भी सिर्फ स्टॉप इसलिए होती है फ्रिक्शन के कारण ठीक है इफ़ देयर इज टू मच फ्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा नथिंग विल मूव जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो कोई भी चीज़ मूव नहीं करेगी मटेरियल्स विद अ स्मूथ सरफेस सच आइस एंड ग्लास हैव लेस फ्रिक्शन ऐसे मटेरियल्स जैसे कि आइस हैं ग्लास हैं इनमें क्या ये जिनकी सरफेस स्मूथ होती है उनमें लेस फ्रिक्शन होता है कम होता है फ्रिक्शन देन ऑब्जेक्ट्स विद अ रफ सर्फेस सचेज कारपेट मतलब अब जैसे स्मूथ सरफेस है उसमें क्या होगा फ्रिक्शन लेस होगा और जो रफ़ सरफेस होगा जैसे कि कारपेट हो गया उनमें क्या होगा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शन आर लिस्टेड बिलो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए वी कैन वॉक बिकॉज देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड हम वॉक कर पाते हैं क्योंकि फीट मतलब और ग्राउंड मतलब हमारे पाँव और ग्राउंड के बीच में क्या होता है फ्रिक्शन होता है वी कैन राइड अ बाईसाइकिल बिकॉज देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन द साइकिल टायर एंड द ग्राउंड हम बाइसाइकिल रीड कर पाते हैं राइड कर पाते हैं हम साइकिल चला पाते हैं क्यों चला पाते हैं क्योंकि साइकिल के टायर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होता है ठीक है वी कैन राइड विद ऑन वी कैन राइट ऑन पेपर विद अ पेंसिल बिकॉज फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पेंसिल टिप एंड द पेपर हम पेपर पे राइट कर पाते हैं लिख पाते हैं क्यों क्योंकि पेंसिल और जो पेपर है उनके बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स होता है वी लाइट अप अ मैच स्टिक यूजिंग फ्रिक्शन हम जो मैच स्टिक या माचिस जला पाते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही जला पाते हैं वी कैन राइट विद द चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन और हम अगर ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं तो उस वो भी एक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है ठीक है चलिए ये एक्टिविटी है इस एक्टिविटी में आपको ये बताया गया है इसको पूरा ना पढ़ के मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रही हूँ देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको क्या चाहिए एक टॉय कार चाहिए और एक पुल चाहिए मतलब स्लाइड करने के लिए स्लोप चाहिए ठीक है और आप आपको एक कारपेट या मैट चाहिए तो पहली पहला आप क्या करेंगे इसमें प्रोसीजर में आप अपनी कार को स्लोप पे रख के उसे नीचे की तरफ पुश करेंगे तो वो क्या होगा और नीचे सिर्फ कार और स्लोप है आपके पास और नीचे पूरा फ्लोर है तो ये क्या होगी कार आगे बहुत आगे तक मूव करेगी ठीक है दूसरी पिक्चर में आपने क्या किया कारपेट को लगाया इस स्लोप के नीचे आपको एक कारपेट लगाना है या मैट लगाना है और आपको कार उसी तरीके से मूव कराना है मतलब स्लोप से आप जब कार को नीचे की तरफ धकेलेंगे तो क्या होगा जो कार है वो थोड़ा डिस्टेंस मूव करके रुक जाएगी और जो स्मूथ सरफेस है वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी ठीक है तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस एक्टिविटी का द फ्लोर विदाउट द कारपेट इज स्मूथ जब हम कारपेट नहीं बिछाते फ्लोर पर तो वो सरफेस स्मूथ होती है और इस वजह से फ्रिक्शन लेस होता है कम होता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे मूव करता है नाउ हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन और फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण ठीक है फ्रिक्शन कम इन टू इफेक्ट वेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर फ्रिक्शन तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं द स्मूथर देयर सर्फेस द लेसर इज द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगी चिकनी होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन फोर्स वो कम लगेगा ठीक है वैन यू रोल अ बॉल ऑन अ स्मूथ सर्फेस इट विल कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस दैन दैन वैन इट इज़ रोल ऑन अ रफ सर्फेस अगर आप एक बॉल को स्मूथ सर्फेस पर आप डालोगे तो वो बहुत उसमें फ्रिक्शन कम लगेगी और वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी ठीक है और उसी बॉल को अगर आप किसी रफ़ सरफेस में या ग्राउंड पर आप डालोगे तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा और वो डिस्टेंस भी कम डिस्टेंस कवर करेगी नाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूज बाई मैनी वेज फ्रिक्शन को हम कई तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट ल्यूब्रिकेंट्स आर सब्सटेंसेज दैट कैन स्मूथन आउट द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर जो ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं या फिर जो ऑयल्स होते हैं उनको अगर आप सरफेस पे लगाएं तो सर्फेस क्या हो जाती है स्मूथ हो जाती है ठीक है जहाँ पर ल्युब्रिकेंट्स कहाँ लगाने चाहिए जहाँ पर वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे फॉर एग्जाम्पल डोर हिंजस डोर हिंजस का मतलब जो डोर आपका होता है उसके साइड में आपने देखा होगा डोर को लगाने के लिए हिंज़स लगाए जाते हैं और वो हिंज़स जो हैं उनमें अगर जब वो कभी रफ़ चलते हैं मतलब वो बहुत आवाज़ आती है दरवाजे से तो आप उन हिंजस में अगर ऑयल या लुब्रिकेंट डालेंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और वो आसानी से मूव करना शुरू होगा और आवाज़ जो आती है दरवाज़े की वो भी बंद हो जाएगी ठीक है ऑयल बींग अबरिकेंट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस ऑयल का भी यूज़ आप ल्यूब्रिकेट की तरह कर सकते हैं और ये भी दो सर्फेस के फ्रिक्शन को कम करती है फॉर एग्ज़ाम्पल वी अप्लाई ऑयल ऑन द डोर हिंजस टू रिड्यूज द क्रैकिंग नॉइज वाइल क्रिकिंग नॉइज वाइल ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर कई बार डोर क्या होते हैं डोर के हिंजस जंग लग जाते हैं वो लोहे के होते हैं इसलिए तो वो जब हम उसमें ऑयल डालते हैं तो उसमें से आवाज़ आनी बंद हो जाती है क्यों बंद हो जाती है क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो जो सरफेस है हिंजेस जो हैं वो स्मूथ हो जाते हैं चिकने हो जाते हैं और जिसके कारण जो फ्रिक्शन है उसमें कम लगता है ठीक है चलिए आगे है पाउडर इज़ ऑल्सो यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल पाउडर का भी यूज़ हम करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल वी अप्लाई पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड बिफोर प्लेइंग कैरम आप सभी ने कैरम खेला है जब भी हम कैरम खेलते हैं तो कैरम खेलने से पहले हम क्या करते हैं कैरम पे पाउडर डालते हैं क्यों पाउडर डालते हैं ताकि जो कैरम का सरफेस है वो स्मूथ हो जाए और जो स्ट्राइकर और कॉइन्स है वो स्मूथली उस सरफेस पे हमें फोर्स कम लगाना पड़े जब सरफेस स्मूथ हो जाएगी तो फ्रिक्शन लेस हो जाएगा और फोर्स भी कम लगेगा तो जिसकी वजह से जो स्ट्राइकर और कॉइन्स होती हैं वो स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं ठीक है नेक्स्ट इज़ वैक्स एंड ग्रीस वैक्स और ग्रीस का यूज़ भी हम करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए वैक्स मतलब मोम ठीक है और ग्रीस जो होता है वो ऑयलिंग मतलब जो व्हील व्हीकल्स होते हैं जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें ग्रीसिंग का, का काम के लिए यूज़ किया जाता है ग्रीस व्हेन अप्लाइड ऑन द मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन ग्रीस का यूज हम जो इंजन के मूविंग पार्ट होते हैं कार का जो इंजन होता है उसमें जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें अप्लाई करते हैं लाइक दैट ऑफ कार्स एंड इलेक्ट्रिक फैंस रिड्यूस फ्रिक्शन तो जब हम ग्रीस डालते हैं मूविंग पार्ट्स में इंजन के तो कार का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है ओके okay? चलिए एक एक्टिविटी है देखिए यहाँ पर स्केटिंग इज़ ईजियर ऑन आइस देन ऑन ग्रास एज आइस हैज़ लेस फ्रिक्शन अब अगर आप स्केटिंग करोगे ग्रास पर और आप स्केटिंग करोगे आइस पर तो कहाँ पर सबसे कम लगेगा फ्रिक्शन का फोर्स जो स्मूथ सरफेस है तो स्मूथ सरफेस कौन सी हुई आइस हुई ना तो आइस पर फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो कम लगेगा और ग्रास पर आप इजिली uh, स्केट्स नहीं कर सकते ठीक है चलिए एक्टिविटी यहाँ पर इस एक्टिविटी में क्या करना है एम टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ग्रीसिंग ऑन अ सरफेस किसी भी सरफेस को जब हम ग्रीस कर देते हैं या फिर ऑयलिंग कर देते हैं तो वो सरफेस पे क्या इफेक्ट आता है तो यहाँ पर मटेरियल्स रिक्वायर्ड बोले गए हैं टू स्टील ग्लासेस आपको लेने वाटर लेना है फेस क्रीम लेना है और पेट्रोलियम जेली लेनी है ठीक है और प्रोसीजर क्या क्या है आपका प्रोसीजर है कि ग्रीस द आउटसाइड ऑफ वन ऑफ द स्टील ग्लासेस बाय अप्लाइंग क्रीम और जेली आपको एक स्टील का ग्लास लेना है और उसके चारों तरफ आपको क्रीम लगा देना है या फिर जेली जेली मीन्स यहाँ पर वेस्लिन की बात की जा रही है पेट्रोलियम जेली का मतलब वेस्लिन ठीक है तो आपको ग्लास के चारों तरफ उसको लगा देना है और फिर आपको अपने हाथ हैंड जो है जिससे आपने लगाया उसको वॉश करके ड्राई करना है लिफ्ट अप द फर्स्ट ग्लास दैट डज नॉट हैव एनी क्रीम ऑन इट्स सर्फेस और जिस ग्लास में आपने सर्फेस जिस ग्लास के चारों तरफ आपने क्रीम नहीं लगाई है उस ग्लास को आपको होल्ड करके उठाना है ठीक है नाउ ट्राई लिफ्टिंग अप द ग्लास दैट हैज़ बीन ग्रीस्ड विथ क्रीम और अब आपको क्या करना है दूसरा जो ग्लास है स्टील का जिसमें आपने क्रीम लगाई है आपको उसको उठाना है तो अब क्या होगा ऑब्जर्वेशन द ग्लास विदाउट ग्रीसिंग इज ईजियर टू होल्ड जिसमें ग्रीस नहीं किया गया है जिसमें कोई क्रीम नहीं लगाई गई है वो ग्लास आप आसानी से उठा सकते हैं वेयर इज द ग्रीस्ड ग्लास इज स्लीपरी एंड डिफिकल्ट टू होल्ड पर जिस ग्लास में आपने ऑयल लगाया है या पेट्रोलियम जेली लगाई वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा चिकना हो जाएगा और आप उसको आसानी से होल्ड नहीं कर पाओगे क्यों क्योंकि वो बार बार आपके हाथ से फिसल जाएगा अब कंक्लूजन क्या है द क्रीम रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन अवर फिंगर्स एंड द सर्फेस ऑफ द ग्लास बाई मेकिंग इट स्लिपरी जब वो हमने क्रीम लगाई उस ग्लास पर तो उसके कारण क्या हो गया जो फ्रिक्शन का फोर्स था वो रिड्यूस हो गया जिसके कारण हमारी जो फिंगर है और ग्लास की जो सरफेस है वो स्लिपरी हो गई और इसके कारण फ्रिक्शन लेस हो गया दिस इज वाई द ग्रीस्ड ग्लास इज़ मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इसीलिए जो ग्रीस्ड ग्लास ग्लास है मतलब जिसके चारों तरफ ऑयल लगाई हुई है वो ग्लास हमें होल्ड करना डिफ़िकल्ट हो गया ठीक है कैन फ्रिक्शन बी यूजफुल क्या फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल होता है फ्रिक्शन इज़ इन्वॉल्व्ड इन आवर डे टू डे लाइफ फ्रिक्शन जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ में मतलब डेली लाइफ में फ्रिक्शन हमारे इन्वॉल्व है येस इट इज़ यूजफुल इन मैनी वेज दे आर एज फॉलो और जो फ्रिक्शन है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है यहाँ पर कुछ बताया गया है चलिए देखते हैं कैसे यूज़फुल है पहला दिया हुआ है फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ अवर शूज एंड द ग्राउंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू वॉक जो हमारा शू का जो सोल होता है सोल क्या है यहाँ पर इसको सोल बोला जा रहा है ये जो सोल होता है और ये जो ग्राउंड होता है इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होता है ठीक है मतलब द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ अरवर शूज शू के जो सोल्स होते हैं और जो ग्राउंड है उसकी वजह से क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से हम आसानी से वॉक कर सकते हैं फ्रिक्शन प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग ऑन द फ्लोर वाइल्ड वॉकिंग और फ्रिक्शन की वजह से ही हम फ्लोर पर स्लिप होने से बचते हैं ठीक है जब चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम स्लिप होने से बच पाते हैं नेक्स्ट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द लीड ऑफ अ पेंसिल एंड द पेपर अस टू राइट जो हमारी पेंसिल की लीड होती है और जो पेपर है वो फ्रिक्श उसमें हम फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पाते हैं थर्ड फ्रिक्शन बिटवीन एन इरेजर एंड पेपर ऑल्सो अस टू इरेज पेंसिल मार्क्स फ्रॉम पेपर यूजिंग एन इरेजर अब जो हमने पेपर पे लिखा हुआ है उसको हम इरेज करते हैं तो जो इरेजर और पेपर है उसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो इरेज किसकी वजह से होती है फ्रिक्शन की वजह से ही होती है ठीक है नेक्स्ट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स एंड द रोड्स एंड द रोड हेल्प्स देम मूव फॉरवर्ड एज फ्रिक्शन हेल्प्स टू मेंटेन अ ग्रिप ऑन द रोड जो फ्रिक्शन जो हमारी गाड़ियों के टायर्स होते हैं और जो रोड है उन उसमें जो फ्रिक्शन लगता है और जब हम गाड़ी अपनी आगे की तरफ मूव करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से टायर और रोड के बीच में एक ग्रिप बन जाती है जिसके कारण हम आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव कर पाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इज इट हेल्प्स अस टू स्टॉप मूविंग व्हीकल्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स और फ्रिक्शन की वजह से ही हम किसी भी चलती हुई चीज़ को या गाड़ियों को रोक सकते हैं अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ियाँ क्या हो जाती हैं स्टॉप हो जाती हैं ठीक है इट अस टू लाइट अ मैच स्टिक वन वी रब इट ऑन द रफ सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स जो मैच बॉक्स होता है जो माचिस की डिब्बी होती है उसमें जब हम मैच स्टिक जलाते हैं माचिस जलाते हैं तो जब हम उसको रब करते हैं मैच स्टिक के बॉक्स के रफ सरफेस पे तो ही जो मैच स्टिक है वो जलती है फैक्ट फाइल when we rub our palms they become warm, warmer due to friction that generates the heat or और फ्रिक्शन जब हम अप, अपने दोनों पाम्स को अपनी दोनों हथेलियों को रब करते हैं घिसते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है जो हमारा फ्रिक्शन की वजह से हमारी दोनों जो पाम हैं उनमें हीट जनरेट होती है और वो गर्म हो जाती हैं ठीक है अब हमें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है फर्स्ट फ्रिक्शन कैन कॉज डिफिकल्टी इन स्लाइडिंग अवी बॉक्स Across the floor, friction can cause difficulty in sliding a heavy box across the floor. Floor पर बड़े से जो heavy boxes होते हैं वो friction के कारण उनको हम स्लाइड नहीं करा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट फ्रिक्शन कॉजिज वीयर एंड टीयर ऑफ द सर्फेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कॉन्स्टेंटली रब अगेंस्ट ईच अदर अगर हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को रब करेंगे तो वो वहाँ से फ्रिक्शन की वजह से वो चीज़ या तो फट जाती है या खराब हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल अ पेंसिल लीड एंड पेपर अगर आप पेंसिल लीड से पेपर पे बार बार कंटिन्यूसली उसी जगह पे रब करते जाओगे तो फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाएगा पेपर फट जाएगा एंड इरेजर एंड पेपर आपने इरेजर और पेपर भी एक एग्जांपल है कि आप कंटिन्यूसली उसको मिटाते जाओगे रब करते जाओगे तो क्या होगा पेपर फट जाएगा द सोर्स ऑफ अवर शूज एंड द रोड एंड द पार्ट्स ऑफ मशीन्स आपने देखा होगा हमारे जो शूज़ के जो सोल होते हैं कंटिनसली जब वो चलते हैं वॉक करते हैं तो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रिक्शन उनमें या बहुत ज़्यादा वो रब हो जाते हैं सरफेस से तो वो क्या हो जाते हैं फट जाते हैं टीयर हो जाते हैं फ्रिक्शन गिव्स राइज टू अनवांटेड हीट फ्रिक्शन की वजह से अनवॉन्टेड हीट जनरेट होती है मतलब अगर ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है तो क्या होगा बहुत जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी टू रिड्यूज दिस हीट इन कार्स कूलेंट्स आर यूज और इसी हीट को रिड्यूज करने के लिए कार में कूलेंट्स लगाया जाता है ठीक है सम व्हीकल्स व्हीकल सच एज एयर प्लेन हैव अ स्ट्रीम लाइन शेप शेप टू रिड्यूज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जैसे कि एरोप्लेन हैं उनके जो शेप हैं वो स्ट्रीम लाइन बनाए गए ठीक है एक आकार जैसे मछली की शेप का आकार होता है ना उसी तरीके से उनकी बॉडी को स्ट्रीम बनाया गया स्ट्रीम मतलब जैसे हम स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर में क्या होते हैं फोर शार्प एजेस होते हैं कॉर्नर पर जब हम स्ट्रीम कोई भी सब चीज़ बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं जितने भी शार्प एजेस होते हैं उनको कर्व कर देते हैं उनको कट कर देते हैं और उनको स्मूथ करके घुमा देते हैं उनको शार्प एजेस नहीं बनने देते ठीक है और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनमें जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो रिड्यूस हो जाए सम व्हीकल्स सच एज एरोप्लेन्स हैव अ स्ट्रीम लाइन शेप टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन वाइल बी मूविंग एट अ हाई स्पीड थ्रू एयर कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जैसे एरोप्लेन्स हैं उनकी बॉडी स्ट्रीम इसलिए बनाई जाती है उनके शार्प एजेस मतलब इसलिए कट किए जाते हैं ताकि उनमें फ्रिक्शन का इफ़ेक्ट ना पड़े क्योंकि वो हाई स्पीड पर एयर में ऊंचाई पर उड़ती है इसलिए उनमें उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है अपने फिश की बॉडी देखिए कहीं पर भी शार्प एजेस नहीं होते सिमिलरली एरोप्लेन्स बोट्स ये सब इसी तरीके से स्ट्रीम बनाए जाते हैं और एज दे वुड बर्न अ लॉट ऑफ फ्यूल टू मूव फास्ट और अगर हम स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं बनाएंगे एरोप्लेन्स की तो क्या होगा उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल लगेगा उसको फास्ट जाने के लिए नेक्स्ट फिश एंड बर्ड्स हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फिश और जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो बॉडी होती है उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है आपने देखा होगा जो बर्ड है वो कहाँ उड़ती है हवा में उड़ती है ऊंचाई पर उड़ती है तो उसकी बॉडी को आपने देखा होगा कहीं भी शार्पेज नहीं बहुत ही स्मूथली और कर्व दे के उसकी बॉडी बनाई गई है जिसे हम स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं और सिमिलरली फ़िश की भी ऐसी होती है फ़िश वाटर में मूव करती है अंदर की तरफ तो जब वो वाटर में मूव करती है अगर उसकी बॉडी में शार्प एजेस होंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसको फोर्स लगेगा आगे की तरफ मूव करने के लिए ठीक है इसलिए उनके जितने भी शार्प शार्प एजेस उनकी बॉडी में नहीं होते इसीलिए उनकी बॉडी को बोला जाता है एक्स्ट्रीम्लाइंट बॉडी मतलब हवा के या पानी के बहाव में आसानी से चल वो जा सकती है ठीक है अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मेंटेन बैलेंस वाइल्ड स्विमिंग और फ्लाइंग जो बर्ड्स और फिश होती है उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है ताकि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके नहीं तो वो पानी में और हवा में कभी मूव भी नहीं कर पाएंगे और बैलेंस भी नहीं बना पाएंगे ठीक है सो दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड चलिए लेट्स डू द एक्सरसाइज सेक्शन वन चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वॉट मेक्स इट ईजियर टू स्लाइड अ हैवी बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर ए पाउडर बी ऑयल सी ग्रीस और डी ऑल ऑफिस अगर आपको अपने आ, बहुत ज़्यादा कोई हैवी बॉक्स है उसको आपको मूव कराना है अपने फ्लोर पर तो जब बहुत ज़्यादा वजन होता है तो हम उसको खींच भी नहीं पाते ठीक है तो आपको अगर उसको जल्दी मूव कराना है स्लाइड करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे पाउडर यूज़ करेंगे ऑयल करेंगे या ग्रीस करेंगे तो तीनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जिससे वो फ्लोर स्लीपरी हो जाएगा और जब आपका हैवी बॉक्स है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर जाए तो आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दिस सेकेंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ए स्लोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट बी स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस तो इसका आएगा सी बोथ ए एंड बी थर्ड यू यूज पाउडर ऑन कैरम बोर्ड टू हम पाउडर का यूज़ करते हैं कैरम बोर्ड पर क्यों ए इंक्रीज फ्रिक्शन बी डिक्रीज फ्रिक्शन सी जेनरेट हीट और डी ऑल ऑफ दीज तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए पाउडर का यूज़ करते हैं कैरम बोर्ड पर फोर्थ फ्रिक्शन इज मोर ऑन ए स्मूथ सरफेस, बी रफ सरफेस, सी प्लेन सरफेस और डी नन ऑफ दीस तो इसका आ जाएगा फोर्थ का बी रफ सर्फेस फिफ्थ डैश इज अप्लाइड ऑन द फ्लोर डोर हिंज टू रिड्यूज फ्रिक्शन तो इसका आंसर आएगा ए ऑयल Now 6th is you are able to walk due to friction. Its D is friction. 7th, aeroplanes have a dash shape to reduce the effect of friction. So C streamline. B exercise, choose the correct, correct word to fill in the blanks. First, friction acts at the point of contact. Second, friction helps us to light a matchstick third frictional force is always in the direction opposite to that of a moving object fourth is the force between two surfaces in contact is called friction now fifth is lubricant is a substance that reduces friction by smoothing out the surfaces sixth we can walk because there is friction between our feet and ground सी एक्सरसाइज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फर्स्ट फ्रिक्शन मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ कार टू स्टॉप ट्रू सेकेंड ऑन अ रफ सरफेस अ बॉल विल रोल टू अ ग्रेटर डिस्टेंस ऑन देन ऑन अ स्मूथ सरफेस तो ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो स्मूथ सर्फेस है बॉल उसमें ज़्यादा रोल करेगी ठीक है क्योंकि फ्रिक्शन लेस होगा थर्ड फ्रिक्शन काजेज नो डैमेज टू टायर्स सोल्स ऑफ शूज और मशीन पार्ट्स ये भी फॉल्स है फोर्थ फ्रिक्शन इज़ यूजफुल एज वेल एज़ हार्मफुल फॉर अस तो ट्रू फ्रिक्शन यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है फिफ्थ फ्रिक्शन शुड बी रिड्यूस्ड इन इंजनस फ्रिक्शन इंजन में में रिड्यूस करता है तो ये हो जाएगा ट्रू सिक्स फ्रिक्शन जेनरेट्स अनवांटेड हीट तो ये भी क्या होगा ट्रू हो जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ में भेज दूँगी दैट्स ऑल दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड एंड योर होल सिलेबस हैज़ बीन फिनिश्ड